अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है मोहम्मद जैर और जैर व्लॉग के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो आज हम आपको दिखाएंगे हमारे गांव की जामे मस्जिद। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए चलो चलते हैं वहाँ पे। तो ये हमारी सड़क वाली साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे मस्जिद का नाम लिखा हुआ है। तो इससे आगे आपको दिखाते हैं। तो इससे आगे आए तो ये मस्जिद का एंट्री गेट है जहाँ पे दाखिल होते हैं, और ऊपर मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी लिखी हुई है, जो इसे पढ़ कर आगे जाए बहुत सवाब मिलता है। तो आगे जाते हैं, फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो इसके बाद दरवाजे की दूसरी साइड पे आएँ तो मस्जिद के निकलने की दुआ भी है, और उससे आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत हमारी मस्जिद में वॉशरूम बनी हुई है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कलर में डिज़ाइनिंग हुई है, टाइलें लगी हुई हैं, एलुमिनियम के दरवाजे हैं उसके, बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। तो देखते जाए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद हमारी बनी है। तो दिखाते हैं आपको साथ साथ, देखते जाओ। तो इससे आगे आओ तो ये हमारी मस्जिद में छोटा वजू करने की जगह बनी हुई है जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत कलर डिज़ाइन में टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत हमारी जगह बनी है यहाँ पे। और इतनी जगह है कि बहुत सारे लोग भी आ जाएँ तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, छोटा वजू करने की जगह नहीं है, बहुत जगह बनी हुई है। तो इससे आगे हमको दिखाते हैं हमारी मस्जिद में एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे मुकम्मल नमाज का तरीका लिखा हुआ है, जो जिसकी गलती हो यहाँ से देख कर सही कर सकता है। उसके आगे हमारी मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत सीलिंग हुई है जो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग भी हुई है और बहुत ही अच्छे कलर में। बस देखते जाओ, आपको दिखाते हैं आगे भी। हर डिज़ाइन से हुई है, मुख्तलिफ मुख्तलिफ कलर में हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसे आगे जाकर आपको दिखाते हैं। इससे आगे आ जाएं तो हमारी मस्जिद का बहुत ही खूबसूरत सीन है जो आप देख सकते हैं, और इंशाल्लाह जिसमें अभी काम जारी है, इंशाल्लाह काम अभी इसमें होना है, इसमें अभी टक डिस्टम्बर होना है, तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये भी बहुत खूबसूरत बन जाएंगे। तो आप देखते जाएं। इसके आगे आ जाएं तो ये हमारी मस्जिद का फ्रंट है जो अभी प्लास्टर हुआ है, इसको किया है, तो इसके बाद इस पर भी बहुत सारा भी काम होना है, इंशाल्लाह जल्द जल्द अज जल्द इस पर काम होगा। तो इसके आगे आपको दिखाते हैं कि हमारी मस्जिद के बहुत ही खूबसूरत आगे बहुत सारी जगह है जिसमें वो अगर यहाँ पे महफिलनात भी हो जाए तो बहुत सारे लोगों की जगह बनी हुई है। तो इससे आगे आपको दिखाते हैं, ये हमारी मस्जिद में पौधे हैं तो जिनकी वजह से मस्जिद की बहुत ज़्यादा खूबसूरती बनती है और बहुत ही प्यारे प्यारे खूबसूरत हैं यहाँ पर देखते जाए आप। तो इसके आगे आप दिखाते हैं मस्जिद में पानी गर्म करने के लिए गीज़र भी लगा हुआ है, ये देखिए आप, सर्दियों के लिए। तो ये हमारी मस्जिद का फ्रंट है, यहाँ पे बाहर नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको अंदरूनी साइड दिखाते हैं। तो ये हमारी मस्जिद की अंदरूनी साइड है जो इसमें भी इंशाल्लाह जो काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो काम अभी रहता है इंशाल्लाह जल्द अज जल्द होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं हमारी मस्जिद का मेहराब का काम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, और साथ साथ जो बाकी काम रहता है वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द होगा। मस्जिद में एक जो है ना छत का काम अभी तक रहता है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी होगा। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखो मस्जिद का मेहराब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत टाइल्स के साथ, डिज़ाइनिंग टाइल के साथ तैयार हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इंशाल्लाह साथ साथ जो काम रहता है वो भी इंशाल्लाह जल्दी होगा। बस देखते जाओ आप, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी जामे मस्जिद अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अल्लाह हाफिज़।